हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो भाइयों, एक सवाल जो बार बार घूम टहल के आता है कि नितिन भैया, मेरी बाइक एवरेज नहीं देती है लेकिन बाकियों की बाइक एवरेज देती है, तो ये एवरेज क्यों नहीं दे रही है, क्या रीज़न है? आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ मीटियोर 350 के लिए नहीं है। अगर आपके पास हंटर है, अगर आपके पास क्लासिक है, और अगर आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइक एवरेज दे, इसके ऊपर ये टोटल 7 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होता है कि आपकी बाइक एवरेज देगी या नहीं देगी। तो शुरुआत करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एयर प्रेशर, आगे का और पीछे का। अब अगर आप रॉयल एनफील्ड का मैनुअल पढ़ोगे तो उसमें 32 और 36 लिखा होता है एयर प्रेशर। लेकिन अगर इफ़ यू गो बाय माय पर्सनल वर्ड्स, तो यू शुड ऑलवेज कीप द एयर प्रेशर एज 34 और 36। 2 पॉइंट एयर प्रेशर आगे हमेशा ज़्यादा इसलिए रखें क्योंकि जो इंजन होता है इसका लोड हमेशा आगे ज़्यादा होता है। तो इन एनी इवेंट, जब आप रेगुलरली चलते हो, अब क्या होता है कि अगर इन एन इवेंट की अगर थोड़ा बहुत अगर आपका एयर प्रेशर कभी लूज़ होता है, तो वो लूज़ जो होगा एयर प्रेशर, वो आपका 1-2 पॉइंट कम भी होगा तो 32 हमेशा मेंटेन रहेगा। तो हमेशा 34 और 36 एयर प्रेशर को मेंटेन कीजिए। हफ्ते में एक बार आप हमेशा अपना एयर प्रेशर चेक कीजिए। पॉइंट नंबर टू होता है फ्यूल। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप हिंदुस्तान में कहीं भी हाईवे पे पेट्रोल भराते हैं, यानी कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप, जैसे मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो गुड़गांव दिल्ली हाईवे पे जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, अगर आप इन पे पेट्रोल लेते हैं तो हमेशा आपको माइलेज कम आएगा। रीज़न बीइंग होता क्या है, तो इन पेट्रोल पंप्स पे आपको कभी भी प्रॉपर माइलेज नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि या तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स में आपको पेट्रोल कम या ज़्यादा मिलेगा, या फिर आपके पास पूरी क्वांटिटी में पेट्रोल नहीं आएगा, यानी कि अडल्ट्रेटेड पेट्रोल भी आपको मिलता है। अब इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि इन पेट्रोल पंप्स की एक कॉमन टेंडेंसी होती है, या कह सकते हैं कि एक कॉमन हैबिटेट होता है, कि जो कस्टमर हमारे पास हाईवे पे आया है वो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हमारे पेट्रोल पंप पे आएगा। तो जो बंदा रोज़ मेरे पेट्रोल पंप पे नहीं आएगा, तो उसको अच्छे या बुरे पेट्रोल से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे ट्रीट यू एज अ वन टाइम कस्टमर। तो पेट्रोल पंप हमेशा शहर के अंदर का चूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको पेट्रोल की क्वालिटी हमेशा बेहतर मिलेगी। रीज़न बीइंग, जो शहर के अंदर के पेट्रोल पंप्स होते हैं वो आपको अच्छा से अच्छा ऑयल देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है तो उनकी सेल्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपको ज़रूर चेक करना है कि आपके दोनों पहिए फ्री घूम रहे हैं कि नहीं। अब इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, आप इधर की साइड आ जाओ। अब ये देखो, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जो आपको करना है। करना आपको ये है कि आप गाड़ी को अपनी मेन स्टैंड पे खड़ा कीजिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उसके बाद अब ये देखिए, यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है। अगर मैं टारमैक पे खड़ा करूँ तो आप मेन स्टैंड पे खड़े करके दोनों पहियों को रोटेट कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए कि क्या किसी पहिए में आपको किसी तरीके की कोई कर कर खर खर की आवाज़ आ रही है, या फिर कोई पहिया फ्रीली नहीं चल रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपका कोई पहिया फ्रीली नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ उसे इमीडिएटली चेक करवाइए, जिससे कि आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। आपके व्हील्स का फ्रीली घूमना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे माइलेज के लिए।
अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर फोर पे। पॉइंट नंबर फोर होता है चेन। अब यहाँ देखो, आप आके देखो क्या होता है कि ये चेन जो होती है ना, ये इसके बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसके ऊपर अब ये देखो, मैंने अभी हाथ लगाया तो देखो मेरी चेन पे इतना लूब लगा हुआ था, ये देखो मेरे हाथ में आ गया, देख रहे हो पूरे हाथ काले हो गए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि चेन को प्रॉपरली क्लीन एंड लूब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेन ड्राई चलती है, चेन ड्राई हो जाती है, चेन हार्ड चलती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, पावर टू द व्हील्स में लॉस होता है पावर का, जिसकी वजह से इंजन को पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है और व्हील्स का रोटेशन कम हो जाता है, आपका चेन स्प्रॉकेट घिसता है, इवेंचुअली खर्चा बढ़ता है। तो चेन लूबिंग एंड क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवरी 500 किलोमीटर्स पे। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर पाँच वो होता है आपका राइडिंग स्टाइल। अब देखो आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मेरा इंजन स्टार्ट है इस समय, ये एक आइडल सिचुएशन है। अब अगर यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंजन स्ट्रेस्ड कब है और विदाउट स्ट्रेस कब है, ये अब आप देख रहे हो, ये तकरीबन 2000 से 2200-2500 आरपीएम है। ये यहाँ पे इंजन स्ट्रेस्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पे इंजन जो है वो फ्यूल पंप से या फिर कह सकते हो आपकी इंजेक्टर से बहुत ज़्यादा ऑयल की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जब इस तरीके से हायर रेव में हम लेके जाते हैं 4000 आरपीएम 5000 आरपीएम, तकरीबन 6000 तक भी ये जाती है, ये गाड़ी 6000 आरपीएम तक ही जाती है, तो अब यहाँ पे इंजन स्ट्रेस्ड होता है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो मैं आपको कुछ बहुत बेसिक स्टाइल टिप्स बताता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और आप एनी गिवन डे आप मेरे पास पर्सनली आ जाओ और बोलो नितिन भैया मुझे आज आप 45 का माइलेज इससे निकाल के दिखाओ, मैं आपको पीछे बिठा के 45 का माइलेज निकाल दूंगा। लेकिन उसका तरीका है, समझो कैसे, 1 2 3 4 5, समझे, 2500 आरपीएम के ऊपर इंजन को रेव करेंगे तो माइलेज गिरेगा। अब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब लोग क्या करते हैं, पहला गियर खींचेंगे 4000-5000 तक, फिर दूसरा 4000-5000 तक, तो वहाँ पे आपके जो माइलेज के नंबर्स हैं वो आधे से भी कम हो जाते हैं। एंड व्हेन आई से आधे से कम, टेक्निकली यस आधे से भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी आपको माइलेज दे रही है 18 का, 20 का, 22 का, तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके ड्राइविंग स्टाइल में कोई गड़बड़ है। पांचवा पॉइंट जो आपको अगेन थोड़ा सा दर्द देगा वो ये है कि ये जो क्लच केबल होती है ना, मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था जहाँ पे मैं क्लच केबल को साफ़ करा था, ये क्लच केबल हार्ड हो जाती है और स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है बरसातों में। अब होती क्यों है ये भी बताता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी दिखाऊंगा। यहाँ पहले क्या होता था कि यहाँ पे पहले एक कवर आता था ऐसे करके, अगर आप पुराने बाइकर हो तो आपने देखा होगा कि एक कवर आता था जो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा कवर कर लेता था आगे से, तो ना तो उसमें धूल जाती थी, ना इसमें पानी जाता था और ना ही इसमें मिट्टी जाती थी, तो ये क्लच केबल की लाइफ बहुत होती थी। लेकिन अब क्योंकि ये ओपन पड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्लच केबल की लाइफ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से अगेन राइडर्स ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्लच के जो प्लेट्स होते हैं ये हाफ पुल पे चलते हैं और ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और यार मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ये क्यों होता है, ये देखो अब आंधी आ गई है, अभी पानी आ रखा था अब आंधी आ गई है, मतलब या तो ये चाहते नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ये देखो आंधी पानी बरसात, मतलब या तो धूप,
मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा परेशान करने हमें वीडियो के बीच में, जिससे वीडियो का फ्लो टूट जाए। लेकिन आज वीडियो रोकूंगा नहीं, अगर बारिश भी होने लगी ना तो वीडियो पूरा करके जाऊंगा, अनकट बनाऊंगा, ये भी प्रॉमिस है। तो ये हो गया एक और पॉइंट। अब इसके बाद आपको एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, जिसकी वजह से माइलेज ड्रॉप होता ही होता है। लोग रॉयल एनफील्ड को, यानी कि मैं रॉयल एनफील्ड में से मीटियोर की बात नहीं करूंगा, मैं क्लासिक की बात नहीं करूंगा, मैं रॉयल एनफील्ड के अंदर हर गाड़ी की बात करूंगा जो 350 सीसी सेगमेंट की है। अब क्यों कहा मैंने ये वर्ड, इसके पीछे भी रीज़न समझने की कोशिश कीजिएगा। 350 सीसी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर के सेगमेंट में 450 है, 650 है, 411 है, तो इसमें इंजन के स्टैट्स बदल जाते हैं। लेकिन 350 सीसी सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स हैं, ये रेस करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं अच्छे टॉर्क के साथ, यानी कि आप इस पे बैठ के पूरे दिन आराम से क्रूज कर सकते हो। लेकिन अब आप ये कहोगे कि मुझे पल्सर से रेस करनी है या मुझे KTM RC से रेस करनी है, तो ये गाड़ियाँ उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉयल एनफील्ड राइडर्स को लो माइलेज का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, बगल से हमारे कोई एक निकला जो 100-150 सीसी की बाइक पे है, हमारी ईगो हिट हो जाती है कि मैं 350 सीसी का इंजन ले करके उससे पीछे कैसे चलूँगा। अब आप भी अपने थ्रॉटल को पुल करने में लग जाते हो। अब होता क्या है, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इसका जो स्ट्रोक है इसको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है कंपेयर टू अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। पिस्टन का ट्रैवल टाइम कम होता है एज कम्पेयर टू, मतलब इसका पिस्टन का ट्रैवल टाइम ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप एक्सेलरेट करते हो तो ओवर फ्यूल का कंजम्पशन होता है और माइलेज डेफिनेटली गिरता है। और एक आखिरी, कहते हैं ना गुरु मंत्र दे के जा रहा हूँ, किसी भी एडिटिव्स और इन सब चीज़ों पे भरोसा मत करना। हाँ एक चीज़ ज़रूर करना, टैंक टू टैंक चार अलग तरीके के पेट्रोल पंप्स को टेस्ट करना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा पेट्रोल पंप अच्छा माइलेज दे रहा है। राइडिंग स्टैंड्स बिल्कुल सिमिलर कर देना चारों पेट्रोल पंप्स पे गाड़ी चलाने का, उन चार टैंक्स में चेक करना गाड़ी कहाँ माइलेज अच्छा दे रही है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वहाँ पेट्रोल आपको अच्छा मिलता है। उस पेट्रोल पंप पे फिक्स कस्टमर बन जाओ, वहाँ से पेट्रोल परमानेंटली डलाओ। और इसके सिवाय कोई जादू नहीं होता है, सिर्फ आपको अपने इंजन की हार्ट बीट को सुनने की ज़रूरत है। जब भी इंजन स्ट्रेस्ड आउट होगा आपको प्रॉब्लम देगा, और जब इंजन स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगा तो आपको एकदम ज़बरदस्त माइलेज देगा। अब इसके एंड में ना, वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी दोनों कार्स का भी एक माइलेज का फिगर लगा के देता हूँ, जो ऑफिशियली मेरे ट्रिप मीटर्स पे आता है। देखना 1.5 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स कितना माइलेज दे सकते हैं, और आपको पूरे स्पीडोमीटर्स के फोटोग्राफ्स भी दूंगा, होंडा का भी दूंगा, किया का भी दूंगा। लोग कहते हैं होंडा माइलेज नहीं देती, तो होंडा देख लेना, किया माइलेज नहीं देती तो किया का देख लेना। द ओनली थिंग इज, जब इसकी हार्ट बीट को इधर की हार्ट बीट के साथ कनेक्ट करोगे, तो जब दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कता है तो ज़्यादा खून जलता है ना बॉडी में, और दिल आराम से पंप कर रहा है बॉडी को, तो आराम से आपको स्वेट नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। बस बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला इसके साथ है। ये जो कान है इसका, जितना ज़्यादा उमेटोगे उतना माइलेज ड्रॉप होगा। आइडियल स्पीड चलने की होती है 40-60, आप चौथे गियर में 40 की स्पीड में पांचवा गियर लगा दो, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आज नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और आप मजाक समझ रहे होगे, सुपर मीटियोर को भी मैं पांचवा गियर छठा गियर लगा देता हूँ 50 की स्पीड में, गाड़ी बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबली चलती है जैसे लगता कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, सुपर साइलेंट इंजन, कोई गटगट नहीं, कोई कटकट नहीं। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए। मैं लिख के देता हूँ आपको, आपको माइलेज नंबर्स 100% इम्प्रूव्ड मिलेंगे।
यही 6-7 चीज़ें हैं जो आपके माइलेज को डिटरमाइन करती हैं। और हाँ, सर्विस ज़रूर कराना। अब ये मत कहना मेरे भाइयों बाद में आके कि बाकी तो सब करा जो आपने बोला नितिन भैया, लेकिन ना तो एयर फिल्टर टाइम पे चेंज करा, ना इंजन ऑयल टाइम पे चेंज करा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, हर 5000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर भी ज़रूर चेंज कीजिए, ऑयल फिल्टर भी ज़रूर चेंज कीजिए और ऑयल भी ज़रूर चेंज कीजिए। और ये फीचर मैं हर अपनी गाड़ी में, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, उसमें रिलीजियसली फॉलो करता हूँ और पूरा इन्जॉय करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बारिश बहुत तेज़ आ गई है, भाग रहा हूँ। चलो टेक केयर, मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।